हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो स्पार्क 20 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन का फेस लॉक काम नहीं कर रहा है, फेस लॉक में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए यहां पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपके ना मोबाइल फोन में ना ये फाइल का ऐप होता है, ये वाला, इस फाइल के आपको ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा ये आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपने अपने फोन में जो भी पहले वाला फेस लॉक लगा रखा है ना, उस पहले वाले फेस लॉक को डिलीट करके एक नया फेस लॉक आपको सेट करना है अपने फोन में। इससे भी जो है फेस लॉक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। अब देखिए, इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ऑनलाइन अपडेट का ऑप्शन आपको टैप करना है। तो आपको जो है ना, इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम का, सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑप्शन, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे आप टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।